जगह लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। 5 बच्चों पर दीवार गिरी, 3 बच्चों की मौत हो गई, 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जैकब अस्पताल पहुंचती हैं। बेड पर लेटे बच्चे का नाम कपिल है, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। कपिल की मां के आंसू नहीं रुक रहे। इतना कहकर बच्चे और मां की हालत देख कमिश्नर रोशन जैकब खुद भावुक दिखी। वो बच्चे की पीठ पर हाथ फेरती है, फिर सरकारी अस्पताल के बेड पर 3 दिन से और बेहतर इलाज का इंतजार करते बच्चे से कहती है, कमिश्नर के आगे अपने बेटे के लिए सहायता मांगते हुए रोती मां हाथ जोड़ती है। जब वापस सभी अधिकारियों और डॉक्टर से बात करने के लिए कमिश्नर लखनऊ मंडल की मुड़ती हैं, तो उनकी आंखों में आंसू बहते दिखते हैं। इशारे से वो वहां मौजूद पत्रकारों को कैमरा दूर करने के लिए कहती है। तब तक अधिकारी इलाज को लेकर बताने लगते हैं। MRI तो सर KGMC में पाएगा, CT है वहाँ पे बलरामपुर में, वो डिसाइड कर लेंगे, करवा लेंगे। अपने अधिकारी के बयानों से कमिश्नर को लगा कि इलाज के लिए बस आगे बच्चे को रेफर कर देने की तरफ इशारा किया जा रहा है, जैसा आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में आम जनता के साथ कर दिया जाता है। तब कमिश्नर लखनऊ की रोशन जैकब बोल पड़ी, आप नगवी से बात कर लो, मैम का कहना है इलाज होना। एक आदमी जिम्मेदारी से साथ में जाएगा, चेक करवा लेगा और जहाँ इलाज होगा वहाँ इसको भर्ती कराएंगे और इलाज कराएंगे, ये है जिम्मेदारी। मैं बलरामपुर बात कर रहा हूँ, आप अभी बात करिए, रेफर करके भेजेंगे, कॉल ले जाएंगे इसको। ऐसे बहुत कम अधिकारी देश में देखते हैं जो यूं अपनी जिम्मेदारी जनता के प्रति निभाएं। इस माँ ने यही महसूस किया, इस बार शायद हाथ धन्यवाद के लिए जुड़े। कुछ वित्तीय सहायता का भी व्यवस्था करना पड़ेगा, रेड क्रॉस में पैसा है ना वो इलाज के लिए, रेड क्रॉस से इलाज की मदद कर लीजिए। ठीक, 3 बच्चे खत्म हो चुका है, 2 बच्चा है उसमें, एक को चोट है, एक केस भी है, तो इसके लिए जाना आना ये लोग नहीं कर पाए। एक आदमी हमको पता चले कौन है प्रशासनिक, जो साथ में जाएगा। ठीक है, आपके एक लेखपाल भी चल जाएगा अगर कोई साथ में। इस पूरी बातचीत के दौरान कई बार बच्चे से खुद बात करके भरोसा देने की कोशिश कमिश्नर रोशन जैकब करती दिखी। शायद पूछती है कि दर्द कुछ कम है, बच्चा नाम सिर हिलाता है। उसके सिर पर हाथ रखकर कमिश्नर रोशन शायद अपने आंसू नहीं रोक पाती। बच्चे की मां हाथ जोड़ती है, कमिश्नर भरोसा देती है परेशान ना हो। फिर बाहर आती है, यह पूरी बात पत्रकारों को बताती है। उनमें जो 3 बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद जो एक बच्चा अभी है उनको स्पाइनल इंजरी है, उनको भी रेफरल और इलाज की आवश्यकता है। प्रशासन इसको व्यक्तिगत ध्यान दे के करेंगे, उनके साथ कोई जाएगा, उसको KGMU में स्कैन कराकर उसको आवश्यक ऑपरेशन की व्यवस्था कराएंगे और आर्थिक मदद भी जिला प्रशासन करेंगे रेड क्रॉस से। क्या आपने आज तक की ये 2 रिपोर्ट देखकर महसूस किया कि बिहार की IAS हरजोत कौर और उत्तर प्रदेश की IAS रोशन जैकब की जनता के प्रति जवाबदेही और अपना कर्तव्य निभाने में क्या अंतर है? ये अंतर है संवेदनशीलता का, ये फर्क है लोक प्रशासन की जिम्मेदारी समझने का, ये अंतर है जनता के लिए बनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाने का। देश में सरकारें जनता के पैसे से जनता के लिए हर तरह की योजनाएं बनाती हैं, ऐलान करती हैं, लागू करती हैं, लेकिन उन योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सिस्टम और सिस्टम को चलाने वाले अधिकारियों पर होती है। फर्क ये है कि जहां पटना में IAS हरजोत कौर छात्रा को ये नहीं बताती कि सैनिटरी पैड किस योजना के तहत लेना है, वहां लखीमपुर में IAS रोशन जैकब किस योजना से किस मद से आर्थिक और इलाज में सहायता करनी है इसका साफ निर्देश अधिकारियों को देती है। पटना में IAS हरजोत कौर छात्राओं को मुक्तवादी बताने का काम करती हैं, लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब पीड़ित परिवार को मुक्तवादी बताने की जगह उसकी जरूरत को समझते हुए सरकारी मदद करती हैं। पटना में IAS हरजोत कौर अपनी जिम्मेदारियां बच्चियों के प्रति टालने की कोशिश में लगी दिखती हैं, लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब इस बात को सुनिश्चित करने पर जोर देती हैं कि पीड़ित बच्चे को सिर्फ रेफर ना किया जाए, जवाबदेही के साथ इलाज कराया जाए। बस किसी ने दस्तक देकर कहना है कि रोशन की डगर पर देश के अधिकारी दिखाएं चल के